Assalamualaikum, I am Zhiyun from DigiMax Pakistan. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि Zhiyun ने अपनी एक नई गिम्बल M3 को लॉन्च किया है। इस वीडियो में मैं आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताऊंगा, उसके की फीचर्स बताऊंगा, क्या नए फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, उसकी क्या बैटरी लाइफ है और कितना वो पेलोड उठाती है, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई पुरानी गिम्बल है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। एंड एट दी एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में इसकी क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन Zhiyun के पिछले तमाम गिम्बल से बिल्कुल चेंज है, बटन स्ट्रक्चर वाइज भी, कलर कम्बिनेशन वाइज भी और फिजिकल अपेयरेंस वाइज भी। इसके फ्रंट साइड पर हमें देखने को मिलती है 1.22 इंचेस की टच स्क्रीन, जिससे आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं और आप M बटन को भी प्रेस करके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है जो कि है फिल लाइट का। ये गिम्बल पे इस तरह माउंट है कि जिस डायरेक्शन में आपका कैमरा होगा फिल लाइट भी उसी डायरेक्शन में होगी। गिम्बल के थ्रू आप इसकी इंटेंसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसके टेम्परेचर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो एक नया फीचर ऐड किया गया है वो ये है कि क्विक रिलीज प्लेट को अपग्रेड कर दिया गया है। अब आपको देखने को मिलेगी क्विक रिलीज प्लेट 4.0, जो कि Zhiyun के हिसाब से अगर आपने कैमरे को माउंट करना है या अनमाउंट करना है तो काफ़ी फास्टली आप ये काम कर सकते हैं। इसमें लेन की बैटरी लगाई गई है जो कि 2 घंटे चार्ज होकर 8 घंटे का पावर बैकअप देती है। पेलोड की बात की जाए तो इस तरह के जो गिम्बल्स होते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए कंपैटिबल होते हैं, एक्शन कैमरास के लिए कंपैटिबल होते हैं या फिर मिडलेस क्रॉप बॉडीज़ के लिए भी कंपैटिबल होते हैं। लेकिन M3 का ये एक हाइलाइटेड फीचर है कि ये फुल फ्रेम मिडलेस बॉडीज़ के लिए भी कंपैटिबल है, लेकिन शर्त यह है कि आप इस फुल फ्रेम मिडलेस बॉडीज़ के साथ बड़े लेंस यूज़ नहीं कर सकते, प्राइम लेंसेज या फिर कोई छोटी लेंसेज उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। मोड्स की बात की जाए तो इसमें वोटक्स मोड, गो मोड, POV मोड, सेल्फी मोड, पोर्ट्रेट मोड, इस तरह के मोड्स ऐड किए गए हैं जो कि इससे पहले गिम्बल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई पुराना गिम्बल है और आप किसी नए गिम्बल पर अपग्रेड होना चाहते हैं तो क्या ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो अगर आपके पास क्रॉप मिडलेस बॉडीज हैं तो जी ये एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास कोई फुल फ्रेम मिडलेस बॉडी है और उस पर आप बड़े लेंसेज यूज़ करते हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर डिगी का पहला गिम्बल लेना चाहते हैं और उस पर क्रॉप बॉडीज यूज़ करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में इसकी क्या एक्सपेक्टेड प्राइस आ सकती है। डॉलर्स में बात की जाए तो इसकी प्राइस है $369 और अगर पाकिस्तानी मार्केट में ये आता है तो राउंड अबाउट 70 के करीब आता है। कन्फर्म नहीं है कि 70 से अबव आता है या 70 के करीब, लेकिन 70 के राउंड अबाउट ही आना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।